और सारे पैसा इधर निकाल लिए हुए हैं टोटल, तो ये तो मोटा मोटी गिनती कर लिया था, ये नहीं किया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अभी सुबह के 7:15 हो गया है और आज जो है ना, आज 6:30 बजे उठा हूँ। और दोस्तों, 12-1 बजे जब नींद टूट जाता था, 12-1 बजे से 4 बजे तक जगे रहता था, उसी समय मैं वीडियो अपलोड कर लिया करता था, इस वजह से नहीं आता था इधर। लेकिन आज 6:30 बजे उठा हूँ तो वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, तो इधर आया हूँ वीडियो अपलोड करने। इधर नेटवर्क ज़्यादा रहता है तो वीडियो अपलोड करने ज़्यादा करके आया हूँ। और ठंड बहुत ज़्यादा है दोस्तों, हवा भी चल रहा है और देख सकते हैं किस तरह का मौसम है, पूरी तरह से ठंडा मौसम है और लग रहा है मेघावनी जैसे। तो इधर आ गया हूँ और अभी चलते हैं, थोड़ा सा आगे से घूम के आते हैं। और दोस्तों, इधर देख सकते हैं, इधर कंपाउंड घिराया हुआ था तो टूट करके और फिर से घिरा रहा है दोस्तों। एक कब्रस्थान है तो नहीं घिरा घिराया हुआ था एक बार, लेकिन फिर दोबारा से घिरा रहा है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इधर से घूम के आते हैं, उसके बाद में चलेंगे। वीडियो तो अपलोड हो चुका है, वहाँ पे रुका हुआ था पुलिया के पास में, एक पेड़ दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा होगा क्योंकि दूर है तो ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो वहीं पर अपलोड किया हूँ वीडियो। अभी चल रहे, थोड़ा सा आगे से घूम के आते हैं। दोस्तों, अभी आ गया हूँ पूरा बीच सरेह में और यहाँ तक आ गया हूँ। तो यहाँ पे गाछी है, देख सकते हैं, और यहीं पे जो है ना, गाछी में पूरा रखा हुआ है। तो चलते हैं, थोड़ा सा पूरा लेकर चलेंगे क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है, तो भैंस और पारी है, तो चलते हैं थोड़ा सा ले लेते हैं। और उसके बिछावन के लिए भी हो जाता है, भैंस का बिछावन के लिए भी हो जाता है और खाता भी है। तो ले गया हुआ था तो ख़त्म हो गया है, तो चलते हैं थोड़ा सा एक मुझे घींच के बाद ले लेते हैं। तो दोस्तों, अभी आ गया हूँ यहाँ पे और घींच लेते हैं, इसी में से घींचते हैं पूरा को। वो भी है तो नया वाला है, तो नया वाला नहीं खाता है, पुराना वाला खाता है इस समय में भैंसी। तो इसमें से घींच करके मुझे उझा बांध करके फिर मिलते हैं। दोस्तों, अभी 7:15 हो गया है और अभी मैं पुराना घींच करके पूरी तरह से बांध चुका हूँ, देख सकते हैं बांध लिया। और चलते हैं दोस्तों घर, ठंडा काफ़ी है दोस्तों, हवा चल रहा है बहुत तेज में, हवा भी चल रहा है और धुंध तो है ही, पूरा खींचा हूँ इसी इतना ही देर में पूरी तरह से हाथ कठुआ गया। तो दोस्तों, अभी मैं उठा लिया पूरा को, सर पे देख सकते हैं, और चल रहा हूँ दोस्तों, मिलते हैं घर पे चल के। घर आ करके और पूरा भैंसी उसी के रख दिया, भैंसी और पोर को थोड़ा थोड़ा, और अभी चाय पी रहे हैं, दे सकते हैं। तो आइए आप लोग भी पी लीजिए। और दोस्तों, माल तो सब सरिया ही लिए हैं, कल माल लाए, कल शाम को ही सबको सरिया लिए। कल जाने वाले नहीं थे, कल जाने वाले थे कहाँ, फेरी कर रहे, लेकिन कुछ ही आइटम था, मतलब ट्राउजर में कुछ ही साइज था, सब साइज खत्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि ले आते हैं माल, कल से अच्छे से फ्री होगा, तो ले आए, सब कुछ पैक कर लिए हैं, देख सकते हैं पूरी तरह से फुल हो चुका है। तो अभी चाय पीते हैं और उसके बाद में फिर 10 बजे से निकलेंगे, अभी 8 बज रहा है, तो फिलहाल चाय पी लेते हैं। तो दोस्तों, अभी टाइम हो गया है 9:30 और अभी मैं स्नान स्नान करके पूरी तरह से रेडी हो चुका हूँ, और खाना में लेट है तो खाना बच जाता है, उसके बाद खाएँगे। और उसके बाद में माल उल जब तक लोड उड कर लेते हैं, सीधे निकल जाएंगे।
दोस्तों सारा माल को लोड कर लिया, देख सकते हैं हो गया। और अभी खाना वाना खा के फिर निकलते हैं। फेरी पर अभी टाइम 9:45 हो गया है, तो 10:15 बजे से निकलेंगे। तो दोस्तों अभी खाना खा रहे हैं, देख सकते हैं, खा के और निकलते हैं दोस्तों। 10 बज गया है अभी। और इधर सरवन है, सरवन तो खा ले ना। तो सरवन भी अभी चाय पिया है, वो भी खाएगा अब। तो दोस्तों खा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। साढ़े दस बजे से दोस्तों अभी 10:30 हो गया है और अभी निकलते हैं। और मौसम उसी तरह का पूरी तरह से ठंडा है अभी, तो चलते हैं। दोस्तों अभी घर से तो निकल चुका हूँ, लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत तेज़ चल रहा है, थरथरा रहे हैं फिर भी चल रहे हैं। चलिए घूमते हैं, एक दो गांव घूम करके फिर मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी घर से निकल चुका हूँ दोस्तों, अभी बोनी हो गया है यहाँ पे, और आगे अगला गांव में घूमते हैं। अगला गांव भी आने ही वाला है, तो चलते हैं, अभी मिलते हैं ये टोला घूम करके फिर। तो फाइनली पिछला गांव में घूम लिया, और पिछला गांव में लगभग कितना 12:30 हो रहा है, 1.5 घंटा समय लग गया है। और 1.5 घंटा में सेलिंग वही 650 तक हुआ है दोस्तों। फिलहाल चलते हैं अगले गाँव में, घूमते हैं, और इस समय का भी व्यू दे सकते हैं, ठंडा मौसम ही है। चलते हैं दोस्तों फिलहाल अगले गाँव में घूम के फिर मिलते हैं। दोस्तों अभी 1:45 हो गया है, और वहाँ से चलने के बाद जो है ना छोटा छोटा 3 टोला घूमा हूँ। गांव एक ही है, लेकिन टोला 3 घूम लिया। और सेलिंग अभी तक 650 का हो गया है वहाँ से चलने के बाद, और उधर हुआ था 600 का, यानी कि 1250 का सेलिंग हो गया अभी तक 2 बजे तक। और अभी से घूमते हैं, देखते हैं कितना का सेलिंग हो पाता है। अभी फिलहाल गढ़वा गाँव है, जो कि सुपौल जिला में पड़ता है, तो गढ़वा में घूमते हैं। और एक टोला है यहाँ, देखते हैं बिकता है कि नहीं बिकता है। उसके बाद में ये गांव जो है ना घूम करके फिर मिलते हैं। दोस्तों पिछला वाला गांव में घूम लिया, कपड़ा एक भी नहीं बिका है, देख देख के खाली छोड़ दिया। और उधारी 20 रुपये मिला है, 40 रुपये उधार था तो 20 रुपये मिला है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल चलते हैं, अगला गाँव में घूमते हुए निकलेंगे। और दोस्तों टाइम अभी हो गया है 2:30 बज गया दोस्तों, तो मिलते हैं फिर बाद में। उधर से आ गया और यहाँ पे लगा दिया गाड़ी, और अभी चलते हैं थोड़ा सा मार्केट, सब्जी उब्जी लेना है, क्योंकि दोस्तों अभी 4:15 हो रहा है और आ गया है जल्दी, बिक्री बहुत कम हो रहा था इसकी वजह से। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा सब्जी लेकर आते हैं, सब्जी लेकर उसके बाद में सीधे घर की तरफ चलेंगे। अभी 1.5 घंटा और घूमता, लेकिन अभी बिक्री कम हो रहा है, इसलिए चले आते हैं थोड़ा सब्जी लेकर। बोल रहा है कि बहुत दिन वीडियो बनावत रहा है, बनाता रहता है। तो दोस्तों ले लेते हैं सब्जी उब्जी, हंसी भी लगता है, बीन के रखा होगा सब्जी ले लेते हैं उसके बाद में। गोभी कैसे है भैया? गोभी कैसे है भैया? गोभी 25 के 2 किलो। गोभी कैसे है भैया? 10 के 1 किलो। बनी हो धादा 2 किलो। मरचाई कैसे मरचाई? दोस्तों आखिरकार शाम हो गया, गेट डूब चुका है और अंधेरा हो रहा है दोस्तों। आते आते घर पे और सब्जी लेकर वहाँ से चल दिया हूँ मार्केट से। उसके बाद में जो है ना रास्ते में आते आते 180 रुपये का बिका, 2 प्लाजो, 1 टी शर्ट। उसके बाद अभी चलते हैं दोस्तों घर। और टोटल सेलिंग की बात करें दोस्तों, गिनते ही नहीं किया हूँ, घर पर चल के गिनती करते हैं टोटल सेलिंग कितना का हुआ है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल चलते हैं घर पर। दोस्तों अभी आ गया हूँ घर, अभी देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा अभी फ्रेश ही है, फिर तभी चले आया। और इधर गाड़ी भी लगा दिया हूँ, और दोस्तों माल भी इधर उतार लिए, इधर झोरा और इधर गमछा। चलिए दोस्तों सारे पैसा को गिनती करते हैं टोटल कितना होता है, क्योंकि मोटा मोटी गिनती किए हुए हैं और ज़्यादा खुदरा है ज़्यादा, तो उसको गिनती करते हैं टोटल कितना होता है। तो दोस्तों अभी आ गया इस रूम में, और सारे पैसा इधर निकाल लिए हुए हैं टोटल। तो ये तो मोटा मोटी गिनती कर लिया था, ये नहीं किया हुआ था, तो सारे को गिनती करते हैं अब टोटल कितना होता है। आज रिचकी ज़्यादा पड़ गया है, दे सकते हैं, और यही सब है। तो सबको सरिया लेते हैं पहले सबको, उसके बाद में गिनती करते हैं।
तो दोस्तों ये सारे को गिनती कर लिया, 195 रुपया ये रेच की है। और दोस्तों ये सब को गिनती करते हैं, तो टोटल को गिनती करते हैं, तो इसको गिनती कर लेते हैं। उधर इसकी गिनती कर लिया 195 है, 200 उसको मानिए 5 रुपये कम। इधर गिनती करते हैं तो 1, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2180 रुपया इधर है, तो हो जाता है 2223, 2380 रुपया हो गया दोस्तों, जिसमें 60 रुपया आया है कैश, मतलब अकाउंट में मोबाइल पर भेजा है 60 रुपया, तो हो जाता है 80 और 60, यानी कि 2440 रुपया। और 2440 रुपया आज का पूरा रुपया हमारे पास है, जिसमें 300 रुपया लेकर गया था, तो 300 माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2421, 2100 का आज सेलिंग हुआ है, तो सेलिंग ठीक ठाक है। और दोस्तों कितना, 170 रुपया उधार भी लगा है, उधार दो जगह पर लगा है, वो जहाँ पे जिस रेट में मैं बोलता था उसी रेट में वो ले लेता था, कितना बार ले लिया, तो उधार मांगा है तो उसको दे दिया हूँ, नहीं दे रहा था फिर भी दे दिया हूँ, क्योंकि वो बार बार लेती है कपड़ा, और नहीं देंगे तो फिर बात ख़राब हो जाएगा, इसकी वजह से देना पड़ा है, तो दे दिया है, 170 रुपया उधार लगा है आज। तो चलिए, उधार मिल जाता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो नहीं देता है, नहीं तो मिल जाता है, थोड़ा लेट करता है। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कुछ बताना है हमको, हमसे बात करना है तो कमेंट कीजिए, और मिलते हैं कल सुबह एक और नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।